हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि एक्सेल में यूज़ किया जाता है और स्टैट्स में भी यूज़ किया जाता है, रैंक एवरेज। रैंक एवरेज का मतलब ये, रैंक और रैंक एवरेज में डिफरेंस ये है कि अगर आप गौर से देखें इस डेटा को, तो इसमें देखिए कुछ नंबर्स हैं जो कई बार आ रहे हैं, जैसे 154 154 145 145 एंड 365 365। अगर आपके डेटा में कई नंबर रिपीट हैं तो वहाँ पर हम रैंक न लगा के हम रैंक एवरेज को करते हैं। तो रैंक एवरेज कैसे वर्क करता है, ये इसको आज हम अपने इस वीडियो में समझते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, इक्वल का साइन लगाएंगे और आर ए एन के रैंक और एवरेज देखेंगे, उसके बाद जैसे टैब लगाएंगे चीज़ें सामने आ जाएंगी। सबसे पहले नंबर आर्गुमेंट में पहले नंबर लिखा, नंबर लिखेंगे, कॉमा करते हैं और पूरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस रेंज को, और F4 करने के बाद सिंपली वो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है। फिर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे 1 आपका डिस्प्ले हो रहा, और इस प्लस को जैसे ड्रैग करें या यहाँ पर हम दो बार क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि पूरे डेटा की एक रैंकिंग आ गई है, जिसमें हाईएस्ट नंबर को हमने 1 रैंक दिया। अब आप देख सकते हैं 365 365 टू टाइम्स है, तो 365 365 2 टाइम्स, यहाँ पर इसकी रैंक 2.5 2.5 है। उसी तरह से 145 145 टू टाइम्स है, इसकी रैंक है 8.5 8.5। तो चूंकि हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा था, इसलिए डिफ़ॉल्ट ने इसने ऑटोमेटिकली हाईएस्ट को 1 रैंक दिया। लेकिन अगर हम इसी को सॉल्व करें, फिर हम ये फंक्शन लगाते हैं रैंक एवरेज, टैप किया और पहला सेल सेलेक्ट करने के बाद हम इसको फिर से ड्रैग कर लेते हैं और F4 और कॉमा करने के बाद जैसे 1 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे लोवेस्ट होगा उसे हम सबसे हाईएस्ट वाले को सबसे लोवेस्ट रैंक देंगे 1 लगाने पर। तो अब देखिए हमने इसको ड्रैग किया तो आप समझ पा रहे होंगे, सबसे हाईएस्ट हमारा 552 था, जो कि पहली कैटेगरी में 1 रैंक मिली, सेकंड ऑप्शन में उसे हमने रैंक 9 रैंक दिया, और इसी तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हुई। तो रैंक एवरेज बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर डेटा में रिपीटेशंस होता है और हमें उसे रैंक में ऑर्डरली अरेंज करना होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।